नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। देश में एसएससी सीजीएल 2018 टीयर की 3 परीक्षा दिसंबर 2019 में करवाई गई थी, जिसके परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। इन परीक्षाओं के परिणामों को लेकर छात्रों में बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि इन परीक्षाओं को हुए अब 8 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। कोरोना संकट के चलते इन परीक्षाओं के रिजल्टों को लेकर कई बार स्थगित भी किया जा चुका है, जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। ट्विटर पर छात्रों ने एक अभियान भी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर छात्रों की मांगे काफ़ी लंबे समय से हैं। छात्रों को सरकार से उम्मीद थी कि जल्द ही उनकी तमाम समस्याओं को सरकार सुनेगी। बीते रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में चल रहे नीट जेई विवाद और एसएससी सीजीएल 2020 के रिजल्ट को लेकर कुछ कहेंगे, ऐसी सभी को आशा थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया। मन की बात के इस 68वें कार्यक्रम में इन विषयों से हटकर उन्होंने बात की, जिसको लेकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के YouTube चैनल पर मौजूद वीडियो पर तरह तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए और अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करनी शुरू की। इस वीडियो को अब तक 9 लाख लोगों ने डिसलाइक किया है। वहीं अगर वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जाएं तो पता चलेगा कि लोगों ने इस कार्यक्रम से कितनी उम्मीदें बांधी थी, जिसको लेकर लोगों ने लिखा भी है। एक यूज़र लिखते हैं कि अब करो रोजगार की बात, नहीं तो सिंहासन करो खाली, अब स्टूडेंट जनता आती ही होगी। इसी तरह अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया मन की बात कार्यक्रम के वीडियो के कमेंट सेक्शन में दी। अधिकतर लोग एसएससी आरआरबी एनटीपीसी के परिणाम की घोषणा को लेकर सवाल पूछते हुए भी नजर आए। इसी के साथ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो छात्रों की इन समस्याओं को लेकर जल्द ही कुछ करें, क्योंकि ये देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है और इस समय देश में बेरोजगारी और महंगाई दोनों ही बढ़ रही है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। शुक्रिया।